एक जनपद एक उत्पाद के तहत जिले में शामिल टेराकोटा के बाद अब रेडीमेड गारमेंट्स को भी इस योजना में शामिल किया गया है। ओडीओपी योजना के तहत शामिल किए गए रेडीमेड गारमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में हैंडलूम वस्त्र निर्माता तथा संबंधित अधिकारियों की बैठक विकास भवन के सभागार में आहूत की गई। बैठक में बीएन डायर्स के प्रोपराइटर विष्णु अजीत सरिया, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बीएन अग्रवाल, व्यापार प्रकोष्ठ के अजय अग्रवाल सहित जिला उद्योग केंद्र सहायक आयुक्त सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एक जनपद एक उत्पाद में शामिल किए गए रेडीमेड गारमेंट्स की सफलता के लिए गहन विचार विमर्श किया गया, जिसके तहत उद्योगपतियों ने कहा कि सरकारी विभागों में सप्लाई किए जाने वाले रेडीमेड गारमेंट्स को अब एक जनपद एक उत्पाद में चयन किए गए रेडीमेड वस्त्रों की सप्लाई किया जाए, जिससे रेडीमेड गारमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा, जिसके साथ रेडीमेड का कार्य करने वाले लोग संबंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन कराकर अपने वस्त्रों की सप्लाई कर सकते हैं, जिससे जनपद में रेडीमेड गारमेंट का हब बनाया जा सके और इसका लाभ यहां के बेरोजगार लोग उठा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, कहीं कहीं जैसे मान लिया जीन्स जो बन रहे हैं उनकी पूरी लाइन है, तो अब यह है कि पॉल्यूशन कंट्रोल का भी आपके पास में कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट में रहे या इतने रुपये की लागत से आपका पॉल्यूशन कंट्रोल की व्यवस्था हो जाए। कंट्रोल वाले आ करके ये कहते हैं कि आपको ये लगाना पड़ेगा और 20-30 लाख 40 लाख की मशीन का वो करने लगते हैं, बोलते हैं कि उसके बाद इसी में जो है वो भ्रष्टाचार वाली जो बात हम करते हैं उसी में आ जाती है। फिक्स होना चाहिए कि ये चीज़ इतनी लग जाएगी तो आपके जो चालू हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 20 लाख की कोई यूनिट है अभी पाए तो पोल्यूशन कंट्रोल का जो है वो एक सिस्टम होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल की जो बात आप कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल का जब तक CFC नहीं होता है, नीट्रा का ऑफिस गीडा में है, तो गीडा के ऑफिस को जो है इतना अपडेट होना चाहिए कि वहाँ पर किसी भी तरह का क्वालिटी कंट्रोल अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ से वो अपने गाज़ियाबाद ऑफिस को भेजेंगे, गाज़ियाबाद से क्वालिटी कंट्रोल का वो आ रहा है। क्वालिटी कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है कि जो गोरखपुर में आपकी स्कूल ड्रेसेज बन रही हैं, अब स्कूल ड्रेसेज का ये होगा कि उनकी क्वालिटी सुनिश्चित होनी चाहिए कि ये क्वालिटी है, अब हो जाए तो गोरखपुर की ड्रेसेज यहाँ परचेज करने में भी बहुत ईजी हो जाएगा। जो भी स्कूल्स वगैरह हैं एक सिस्टम ये भी अपने को वो करना पड़ेगा कि स्कूल ड्रेस काफ़ी मात्रा में गवर्नमेंट लेती है, तो गोरखपुर के अंदर ODOP की जब बात कर रहे हैं तो इसको प्रमोट करने के लिए ये सुनिश्चित होना चाहिए कि गोरखपुर की जो भी स्कूल्स हैं या जो भी हैं वो गोरखपुर से ही जो है वो गोरखपुर से ही परचेज हो। कम से कम 150-200 लोग हैं जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, जितनी भी आपकी शॉप हैं ₹2000 वगैरह में, तो वो ₹2000 शॉप उन लोगों ने भी अपने घरों में अपनी कुर्सियों की मशीन लगा रखी है, और बहुत से ऐसे कारीगर हैं जो कोई बॉम्बे में इतने नहीं भी तो आ करके खोज रहे हैं कि यहाँ कुछ आप अच्छे अच्छे कारीगर हमारी यहाँ जो हमारे जनपद को वन ODP में रेडीमेड गारमेंट का जो दिया गया है हमें चयनित किया गया है, उसके लिए उद्योग बंधुओं से मीटिंग की गई थी। इसमें जो रणनीति बनाई जाएगी ताकि इसका जो हम जमीनी स्तर पे कैसे इसको उतारें और मैक्सिमम लोगों को रोज़गार दे सकें, और बहुत अच्छे सुझाव इंडस्ट्री की तरफ से आए हैं जिसकी कार्रवाई हम लोग आने वाले जो बृहस्पतिवार है वहाँ से शुरू करेंगे।